द स्टॉर्क एंड द फॉक्स। वन मॉर्निंग, एक सुबह, इन द ग्रेट फॉरेस्ट, बड़े जंगल में, फॉक्स वॉज फीलिंग वेरी बोर्ड। लोमड़ी बहुत ऊब महसूस कर रहा था। ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज नेबर द स्टॉर्क। उसने अपने पड़ोसी सारस पर एक चाल खेलने का फैसला किया। डियर स्टॉर्क, प्रिय सारस, वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर अ डिलीशियस मील एट माई हाउस टुनाइट। क्या आज रात मेरे घर पर स्वादिष्ट भोजन के लिए मेरे साथ शामिल होना चाहोगे? फॉक्स आस्क्ड ईगरली। लोमड़ी ने बेसब्री से पूछा, वाई, क्यों? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी बहुत कृपा है, फॉक्स। ऑफ कोर्स, बेशक, आई शैल कम, मैं आऊँगा। लेटर दैट इवनिंग, उसी शाम बाद, फॉक्स लेट आउट टू शैलो बॉल्स। लोमड़ी ने दो उथले कटोरे रखे ऑफ डिलीशियस स्मेलिंग सूप, स्वादिष्ट महक वाले सूप से। ही प्लेस्ड वन बाउल इन फ्रंट ऑफ स्टॉक। उसने सारस के सामने एक कटोरा रखा एंड इनवाइटेड हर टू बिगिन हर मील, और उसे अपना भोजन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। स्टॉर्क कुड ओनली वेट द टिप ऑफ हर बीक। सारस केवल अपनी चोंच की नोक को गीला कर सकता था। वाइल, जबकि शी हंग्रीली वॉच्ड फॉक्स, जबकि वह लोमड़ी को भूख से देखती थी, एज ही लैप्ड अप हिज ओन सूप विद ग्रेट एंजॉयमेंट एंड ईज। जैसे वह अपना सूप महा आनंद और आराम से चट कर गया। स्टॉर्क डिड नॉट से अ वर्ड। सारस ने एक शब्द नहीं कहा। Although यद्यपि he was very unhappy at the trick, वह चाल से काफ़ी दुखी थी। She only smiled, वह केवल हंसी, and thanked Fox for a wonderful evening, और Fox को एक शानदार शाम के लिए धन्यवाद दिया। And then invited Fox for a meal at her own home, और फिर लोमड़ी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। To repay him for his kindness, उसकी दयालुता को चुकाने के लिए। Fox agreed, लोमड़ी मान गया, happy that his trick had worked so well, खुश थी कि उसकी चाल ने इतनी अच्छी तरह से काम किया। Next day, अगले दिन, Fox arrived at Stork's house. लोमड़ी सारस के घर पहुंचा। He was hungry, वह भूखा था, and was looking forward a tasty lunch, और दोपहर के भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। स्टॉर्क गेव फॉक्स अ टॉल नैरो जार। सारस ने फॉक्स को एक लंबा संकरा जार दिया। इनसाइड अंदर व टेंडर पीसेस ऑफ स्मोक्ड फिश, अंदर स्मोक्ड मछली के कोमल टुकड़े थे। द नेक ऑफ द जार वॉज टू नैरो फॉर फॉक्स स्नाउट टू फिट। लोमड़ी के थूथन के फिट होने के लिए जार की गर्दन बहुत संकरी थी। ही कुड ओनली वॉच, वह केवल देख सकता था। ऑन एस स्टॉर्क ईजिली लिफ्टेड आउट द फिश पीसेस विद हर लॉन्ग थिन बीक।
किसारस अपनी लंबी पतली चोंच से मछली के टुकड़े को आसानी से निकाल लिया। फॉक्स वॉज वेरी एंग्री। लोमड़ी बहुत गुस्सा थी, बट ही अंडरस्टूड, लेकिन वह समझ गई वॉट स्टॉर्क हैड डन, कि सारस ने क्या किया है। ही वुड नेवर प्ले सच ट्रिक्स ऑन हिज नेबर्स अगेन। वह फिर कभी अपने पड़ोसियों पर ऐसी चाल नहीं चलेगा। मोरल, ट्रीट अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स ट्रीट यू। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। वर्ड मीनिंग, मॉर्निंग सुबह, ट्रिक चाल, बोर्ड ऊबा हुआ, डिसाइडेड निर्णय लिया, नेबर पड़ोसी, डिलीशियस स्वादिष्ट मील भोजन, ईगरली बेसब्री से, ऑफ कोर्स बेशक, लेट आउट रखा, शैलो बॉल्स उथले कटोरे, स्मेलिंग महक वेट गीला, बीक चोंच, लैप्ड अप चट करना, ग्रेट इंजॉयमेंट महान आनंद, ईज आराम, ऑल्दो यद्यपि, वंडरफुल शानदार, नैरो संकरा। थैंक यू।